अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास, आज हम एजुकेशन में चैप्टर नंबर सेकंड, ठीक है, सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था तालीम का दायरा कार और वज़ाइफ, उसकी नेक्स्ट पेज की रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो ओपन करें बेटा तालीम का दायरा कार और वज़ाइफ। हमने पेज नंबर 9 की रीडिंग कर ली थी, आज हम पेज नंबर 10 की रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो ओपन पेज नंबर 10 बेटा, देखते हैं आज पेज नंबर 10 पे क्या हमने रीडिंग करनी है। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता दूं कि पेज नंबर 9 पे जो हमने रीडिंग की थी, यानी कि तालीम का जो है, इल्मुल तालीम का दायरा कार क्या है, यानी कि तालीम जो है एक ऐसा मुसलसल अमल है जिसकी मदद से इंसान की जिस्मानी, रूहानी, जहनी, इखलाकी और नफसियाती नशोनुमा मुमकिन हो सकती है। मकासद तालीम तय करने के लिए तालीम जो है हमारी मदद करती है, यानी कि तालीम हासिल करने का जो मकसद है उसको तय करने के लिए मदद कौन करता है, तालीम मदद करती है। माशरे की ज़रूरियात, तालिबे इल्मों के इस्तादाद और नफसियाती तकाज़ों को मलहूज रखते हुए निसाब तालीम मुरतब किया जाता है और इसके लिए मौसर तदरीसी तरीके इख्तियार किए जाते हैं, यानी कि टीचिंग मटीरियल वो जो है मौसर तरीके से जो है ऐसे तरीके इख्तियार किए जाते हैं कि जो असरअंदाज हों तलबा पर। ठीक है, तो ऐसे तरीके इख्तियार किए जाते हैं जिनकी मदद से मकासद तालीम का हसूल मुमकिन हो जाता है और तालिब इल्म की शख्सियत जो है वो मुतवाजन हो जाती है। तालीम का जदीद और वाजिया तसव्वुर ये है कि तालीम एक ऐसा माशरती अमल है जो जिसकी मदद से तलबा माशरती मुताबकत हासिल करने में इनफरादी और माशरे की इज्तमाई नशोनुमा का बाइस बनते हैं, यानी कि जो तलबा हैं तालीम के ज़रिए उनकी जहनी इस्तेदाद जो है उसमें इजाफा होता है और उनकी शख्सियत जो है निखर कर सामने आती है। आज हमने पेज नंबर 10 की रीडिंग करनी है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, तालीम जो है इसके बारे में बताया गया कि तालीम एक माशरती अमल है, यानी कि पूरे माशरे के लिए जो है तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, एक माशरती अमल है जिसमें फ़र्द की ज़िंदगी के इनफरादी और माशरे के इज्तमाई सियासी नज़रियात और माशी पहलू शामिल हैं। यानी कि तालीम में क्या क्या शामिल है कि फ़र्द की इनफरादी नशोनुमा, माशरे की इज्तमाई सियासी नज़रियाती और माशी तमाम पहलू शामिल हैं। तालीम फ़र्द और माशरा दोनों में तवाज़ुन कायम रखते हुए फ़र्द की जामिया और मुकम्मल नशोनुमा के मौके फराहम करती है, यानी कि तालीम की वजह से जो है फ़र्द की किसी भी एक इंसान की जामिया और मुकम्मल नशोनुमा होती है और इसमें रस्मी और गैर रस्मी तालीम भी शामिल है। इस तालीम में दोनों तालीम आ जाती हैं, रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम, यानी कि तालीमी इदारों में दी जाने वाली तालीम रस्मी तालीम होती है और गैर रस्मी तालीम जो बच्चे अपने घर से अपने वालदैन से सीखते हैं, क्योंकि पहला जो तालीम का ज़रिया है बच्चों के लिए वो क्या है, घर। तो घर से बच्चे से जो सीखते हैं उसे गैर रस्मी तालीम कहते हैं। तो इस तरह से दोनों ही इसमें शामिल हैं। तालीम जिन मौजूआत से बहस करती है और जिन तरीक़ों से तालीम वकूफ पसीर होती है, यानी कि तालीम किन किन टॉपिक्स पर, मौजूआत क्या होते हैं, टॉपिक्स, ठीक है, तो जिन जिन मौजूआत से बहस करती है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं और जिनमें जिन तरीक़ों से तालीम वकूफ पसीर होती है, यानी कि किन जिन तरीक़ों से तालीम पहुँचाई जाती है, इन सब के इल्म को आज इल्म तालीम या इल्मुल तालीम का नाम दिया जाता है। यानी कि तालीम किस तरह से वकूफ पसीर होती है, किस तरह से तालीम दी जाती है और किन किन मौजुओं पर बहस की जाती है, इसको एक नाम दे दिया गया और उसको क्या कहा गया है, इल्मुल तालीम। इल्मुल तालीम एक नया सब्जेक्ट जो है उसको मुतारिफ करवाया गया है जिसका नाम है इल्मुल तालीम। यानी ऐसा मजमून, अब इल्मुल तालीम क्या है, ऐसा मजमून कि जिसमें इंसानी फितरत का इस पहलू से मुतालिया किया जाता है, कि इल्मुल तालीम एक ऐसा मजमून है जिसमें इंसान की फितरत का और इसके पहलू से मुतालिया किया जाता है। ठीक है, फितरत के लिहाज से, उसकी तबीयत के लिहाज से, उसके नेचर के लिहाज से उसका मुतालिया किया जाता है कि इंसान का माशरती विरसा क्या है। अब इसमें क्या देखा जाता है कि इंसान का माशरती विरसा क्या है,
उसे आइंदा नस्लों तक कैसे मुंतकिल करना है। माशरती वरसा यानी कि हमारा तहजीब व सकाफत, माशरे का हर माशरे का अपना अपना तहजीब व सकाफत होता है, ठीक है, नज़रिया हयात होता है। तो ये देखा जाता है इल्म तालीम में कि इंसान का जो माशरती वरसा है वो क्या है, उसका तहजीब व सकाफत क्या है और उसे आइंदा नस्लों तक कैसे मुंतकिल करना है, यानी कि उस तहजीब व सकाफत को दूसरी नस्लों तक कैसे पहुंचाना है। एक नस्ल तो वो इल्म हासिल कर रही है, ठीक है, अब ये यहीं पे सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता, तालीम का सिलसिला जारी ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, वो क़यामत तक जारी रहेगा। ये अल्लाह ताला ने उस वक्त से शुरू किया जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, तालीम का सिलसिला तब से शुरू हुआ और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तो इसलिए जो है इसे अब ये देखना है कि इसे आइंदा नस्लों में अपने माशरती विरसे को किस तरह मुंतकिल करना है, माशरे के इस्तेकाम के लिए इसके सकाफती विरसे की तामीर नो कैसे मुमकिन है। अब इसमें ये भी देखा जाएगा, इल्म तालीम के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो अब इस मजमून के हवाले से ये भी देखा जाएगा कि माशरे के इस्तेकाम के लिए यानी कि माशरे में एक मजबूती लाने के लिए, एक इस्तेकाम लाने के लिए उसके सकाफती विरसे की तामीर नो कैसे मुमकिन है, यानी कि उसका जो सकाफती विरसा है उसको नए सिरे से तश्कील देना ये किस तरह से मुमकिन हो सकेगा। इंसानी नफ्सियात क्या है, यानी कि इंसान की सोच क्या है, वो क्या चाहता है और इंसान कैसे मुख्तलिफ आदात इख्तियार करता है, और इसमें ये भी इल्म तालीम में ये भी देखा जाता है कि इंसान किस तरह से उसमें नई नई आदात को अपनाता है, अडॉप्ट करता है, किस तरह से अपनी आदात में चेंजेस लाता है, और माशरे के इस्तेकाम के लिए उसके सकाफती विरसे की तामीर नौ की जाती है, और इंसान इसके रुझानात में कैसे तब्दीली लाई जाए। अब ये देखा जाता है कि इंसान जो है कैसे मुख्तलिफ आदात अपनाता है, इंसान की जो है नफ्सियात क्या है, उसकी सोच क्या है, ठीक है, तो इन इसके रुझानात में किस तरह तब्दीली लाई जाए, यानी कि अब ये देखा जाता है कि उसके ख्यालात को किस तरह तब्दील किया जाए, उसमें किस तरह से तब्दीलियाँ लाई जाएँ ताकि वो बेहतरीन आदात और किरदार का मालिक बन जाए। इल्म तालीम के ज़रिए से ये देखा जाता है कि इंसान में कौन कौन सी आदात हैं, ठीक है, और कैसे जो है उनकी आदात मुख्तलिफ आदात इख्तियार करता है आगे आगे, तो किस चीज़ में उसका रुझान ज़्यादा है, किस साइड पे वो ज़्यादा जो है अपना रुझान उसका जा रहा है, तो उसको भी कोशिश की जाती है कि इसमें तब्दीली लाई जाए, यानी कि इल्म तालीम के ज़रिए से उसमें जो है फ़र्द में तब्दीली लाई जाए ताकि वो अच्छी आदात जो हैं, जो बेहतरीन आदात हैं उनको अडॉप्ट करे, उनको अपनाए और अच्छी किरदार का मालिक बन जाए और माशरे की तरक्की का ज़ामिन हो। और जब इंसान जो है अच्छे किरदार का मालिक होगा, बेहतरीन आदात उसमें आएंगी, तो वो माशरे के लिए तरक्की का बाइस बनेगा, जबकि अनपढ़ लोग जो होते हैं और जो बुरे लोग जो होते हैं वो माशरे में बिगाड़ का सबब बनते हैं। तो अच्छे लोग, तालीम याफ्ता लोग जो होते हैं वो माशरे की तरक्की का ज़ामिन बन जाते हैं। तो इस इल्म तालीम में ये देखा जाता है कि इंसान कौन कौन सी आदतें इख्तियार कर रहा है और किस तरह उसकी आदात को बेहतर बनाना है ताकि वो बेहतरीन इखलाक का मालिक बन सके और माशरे की तरक्की का सबब बन सके। इल्म तालीम या इल्म तालीम से मुराद वो मजमून है कि जिसकी मदद से हम तालीम के मकासिद, निसाब, तरीका है तदरीस, जायज़ा, उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात, मदरसा और माशरे के ताल्लुकात के अलावा निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों को ज़ेर बहस लाते हैं ताकि दुरुस्त रास्ता इख्तियार करके फ़र्द और माशरे की इस्लाह कर सकें। अब इल्म तालीम का एक मकसद क्या है कि तालीम के मकासिद से आगाह होना, ठीक है, निसाब यानी कि प्लानिंग किस तरह से मनसूबाबंदी की जाती है तालीम को आगे पहुँचाने के लिए, फिर तरीका है तदरीस यानी कि टीचिंग मटीरियल क्या है, फिर जायज़ा यानी कि पढ़ाने के बाद जो है तलबा उनकी सलाहियतों को चेक करने के लिए जायज़ा ज़रूरी है यानी कि उनका इम्तहान से गुजरना ज़रूरी होता है। उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात के बारे में देखा जाता है कि उस्ताद शागिर्द के साथ अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं या सख्ती कर रहे हैं या किस तरह से जो है तालिब इल्म उससे सही बात पूछते हुए भी हिचकिचा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं। फिर मदरसा और माशरा के ताल्लुकात जो हैं उनको देखा जाता है और इनके अलावा क्या देखा जाता है कि निसाबी सरगर्मियाँ, ठीक है, निसाबी सरगर्मियाँ कौन सी होती हैं जो कमरे जमात के अंदर सरगर्मियाँ हों, ठीक है, जैसे क्लास वर्क होना, लेक्चर होना, फिर उसके बाद क्लास वर्क होता है, फिर होमवर्क दिया जाता है और यानी कि ये सारी बातें डायरी नोट करवाई जाती है, ये सारी जो बातें होती हैं वो जमात कमरे यानी कि कमरे जमात में होती हैं, क्लास रूम में होती हैं, तो इनको निसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता है। और हम निसाबी सरगर्मियाँ
सरगर्मियाँ क्या होती हैं जो कि कमरा जमात से बाहर जाके की जाती हैं, या मदरसे के अंदर या मदरसे से बाहर, यानी कि तालीमी इदारे के अंदर या तालीमी इदारे के बाहर जो सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं उनको हम निसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता है। जैसे कि कंपटीशन हो जाते हैं, मैचेस वगैरह होते हैं, और इसके अलावा स्पीच कंपटीशन होता है, नात कंपटीशन होता है, इस तरह के अदबी मुकाबले होते हैं, और इसके अलावा शेर व शायरी का मुकाबला एक स्कूल से दूसरे स्कूल के साथ मुकाबले होते हैं, या स्कूल के अंदर ही जो है क्लास से बाहर ग्राउंड में ये सारा कुछ होता है, तो उनको हम निसाबी सरगर्मियाँ कहते हैं। तो इल्म तालीम जो है इसको ज़ेर बहस लाते हैं, यानी कि हम निसाबी और निसाबी सरगर्मियों को, ताकि दुरुस्त रास्ता इख्तियार करके फ़र्द और माशरे की इसलाह कर सकें। अब उसमें तलबा की सलाहियतें और ज़्यादा निखर कर सामने आती हैं जब वो प्रैक्टिकली तौर पर कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, तो उनकी जो सलाहियतें हैं वो और ज़्यादा वाजिया होती हैं, उजागर होती हैं, नुमाया होती हैं, और उससे दुरुस्त रास्ता इख्तियार करके फ़र्द और माशरे की इस्लाह हो सकती है। फिर इसके बाद है कि इल्म तालीम इनफरादी, कौमी और बैन अल-अक़वामी रवैयों से मुतल्लिक मालूमात के हसूल में हमारा मावन है, यानी कि हमारी मदद करता है इनफरादी तौर पर, कौमी तौर पर और बैन अल-अक़वामी। बैन अल-अक़वामी पूरी दुनिया के तौर पर, और कौमी तौर पर पूरी मुल्क के तौर पर, और इनफरादी तौर पर अपनी शख्सियत के तौर पर, ठीक है। तो हर रवैयों से मालूमात मुहैया करना उसमें मदद देता है इल्मुल तालीम। इल्मुल तालीम बाकायदा एक साइंस है, ठीक है। इल्मुल तालीम को एक साइंस का नाम जो है दे दिया गया है कि जिसकी मदद से तालीमी पॉलिसी तश्कील दी जाती है, पॉलिसी साज मकासद तालीम तय करके उनके हसूल के लिए मनसूबाबंदी करते हैं। तालीमी इदारों को तालीमी मामलात की निगरानी करने वाले मुंतज़मीन इस मज़मून के मुताले के बगैर तालीमी उमूर के असूलों को नहीं समझ सकते। अब तालीमी इदारे जो हैं, जो मदरसे हैं या तालीमी इदारे हैं, उनमें तालीमी मामलात की जो निगरानी करने वाले मुंतज़मीन हैं, ठीक है, उनके लिए इस मज़मून के मुताले के बगैर तालीमी उमूर के असूलों को नहीं समझ सकते। जब तक इल्म तालीम बकायदा तौर पे उसका मुतालिया नहीं करेंगे, वो इस सब इसके असूलों को नहीं समझ सकेंगे। तो इसके लिए तालीमी मामलात की निगरानी करने वालों को भी चाहिए कि वो इस मज़मून में जो है असूलों को समझ सकें। इस मज़मून के मुताले के बग़ैर एक उस्ताद तदरीसी तरीक़ों, तलबा के तालीमी मसाइल, तालीमी नफ्सियात और जायजे के तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं होता, और एक कामयाब मुअल्लिम नहीं बन सकता। यानी कि कामयाब उस्ताद बनने के लिए ज़रूरी है कि इल्मुल तालीम के जो तदरीसी तरीक़े हैं, तलबा के तालीमी मसाइल और तालीमी नफ्सियात और जायज़े के तरीक़ों से आगाही ज़रूरी है। इल्मुल तालीम नौमर होने के बावजूद एक ऐसा मज़मून है जो बैन अल-अक़वामी हैसियत इख्तियार कर चुका है। इल्मुल तालीम अभी हाल ही में मुतारिफ़ करवाया गया है, ये नया मज़मून है जो कि थोड़े ही अरसे में मुतारिफ़ करवाया गया, लेकिन इसको बैन अल-अक़वामी यानी कि पूरी दुनिया के तौर पर इसको अहमियत हासिल हो चुकी है। पाकिस्तान के तलबा में ये मज़मून बहुत मकबूल है, मैट्रिक से लेकर PhD तक ये मज़मून मुतारिफ़ हो चुका है, यानी कि मैट्रिक से स्टार्ट होता है 9th क्लास से, ठीक है, इल्मुल तालीम का मज़मून जो है, और ये PhD तक यानी कि स्पेशलाइजेशन तक ये मज़मून जो है मुतारिफ़ हो चुका है। जो जो तालीम में वसत पैदा हो रही है, इस मज़मून के बहुत से नए और मुफीद पहलू भी सामने आ रहे हैं। जिस तरह से तब्दीलियाँ आती जा रही हैं तालीम में, और ज़्यादा जो है रास्ते खुलते जा रहे हैं, तो इसी तरह से जो है इस मज़मून के भी नए और मुफीद पहलू सामने आ रहे हैं, और इसमें जो है जो मकासद तालीम, तालीमी पॉलिसी, तरबियत असातज़ा, तदवीन निसाब, तालीमी इंतज़ामात, तलबा और असातज़ा के मामलात ऐसे मौजूदात हैं कि जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ इस मज़मून से है। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है, इसलिए यहाँ पर इस मज़मून में वो मौजूदात शामिल किए जाएंगे जो तालिबे इल्म को बेहतरीन मुसलमान और पाकिस्तान का मुहब्बे वतन शहरी बनाने में मददगार साबित हों। इल्मुल तालीम के बारे में सवाल पैदा होता है कि ये साइंस है या आर्ट्स, ठीक है। अब ये जो है सोचा जाता है कि साइंस में इसको शुमार किया जाए या फिर आर्ट के मज़ामीन में शुमार किया जाए, लिहाजा आर्ट और साइंस का मफहूम समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इसके लिए दोनों को अलग अलग समझना ज़रूरी है कि आर्ट क्या है और साइंस क्या है। तो ये बेटा आज की हम रीडिंग यहीं तक कम्प्लीट करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको इससे आगे करवाऊँगी कि आर्ट यानी कि इल्मुल तालीम साइंस है या आर्ट है। पहले हम ये देखेंगे कि आर्ट क्या है, साइंस क्या है, ठीक है, फिर देखेंगे कि इसका ताल्लुक किसके साथ है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। अब मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे MCQs भी
यानी कि एमसीक्यूज होंगे दोनों फॉर्म में ही, आप उसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी उसका आंसर बना सकते हो, और एमसीक्यूज तो मैं आपको बना के दे ही रही हूँ, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के ऊपर। नंबर वन है, साथ साथ बेटा नोट करते रहें ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी याद करने के लिए, तालीम फर्द और डैश और डैश दोनों में तवाजुन, तवाजुन क्या होता है, बराबर होना, ठीक है, यानी कि कोई किसी साइड से कम या ज्यादा ना होना बल्कि बराबर होना कायम रखते हुए फर्द की जामिया नशोनुमा के मवाके फराहम करती है। अब यहाँ पे फर्द और मुआशरा, ठीक है, यानी कि दोनों को, दोनों में ही तवाजुन पैदा करती है, एक फर्द और मुआशरे के दरमियान। नंबर टू, तालीम जिन मौजूदात से बहस करती है इन सब के इलम को डैश का नाम दिया जाता है, किसका नाम दिया जाता है, इल्मुल तालीम, ठीक है, इल्मुल तालीम का नाम दिया जाता है। नंबर थ्री, इल्मुल तालीम इंफरादी कौमी और बैन अल-अक़वामी रवैयों से मुतल्लिक मालूमात के हसूल में है, क्या है, मावन, मावन क्या होता है, मददगार, ठीक है, तो यहाँ पे मावन आ जाएगा। और नंबर फोर, इल्मुल तालीम बाकायदा एक है, क्या है, साइंस, और नंबर फाइव, इस मजमून के मुताले के बगैर, किस मजमून के, इल्मुल तालीम, ठीक है, के मुताले के बगैर एक उस्ताद कामयाब नहीं बन सकता, क्या नहीं बन सकता, मुअल्लम, ठीक है, एक उस्ताद जो है कामयाब मुअल्लम नहीं बन सकता जब तक वो इल्मुल तालीम के जो है मुतालिया नहीं कर लेगा। फिर उसके बाद नंबर सिक्स है, मैट्रिक से ये मजमून मुतारिफ कराया जा चुका है, ये मजमून मुतारिफ कराया जा चुका है मैट्रिक से तक, कहां तक, पीएचडी, एचडी, ठीक है। तो ये बेटा एमसीक्यूज़ हैं, इनको आपने लिखना है, नोट करना है और याद भी करना है ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए।
तो आपको मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया था कि इंसान के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो पैदाइश से लेके मौत तक एक ही साइज में रहता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर ढूंढा होगा। आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे, ये आपकी एक दिमाग की एक्सरसाइज भी हो जाती है इस तरह से ना, कि आप सोच के किसी का आंसर अगर दें तो इसका सही आंसर है इंसानी आँख। आँख जो है इंसान के जिस्म का वो हिस्सा है जो कि पैदाइश से लेके मौत तक एक ही साइज में रहता है। ठीक है, तो ये हमारा आज के क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, आपने उसका आंसर देना है और सोचिएगा कि इसका क्या आंसर बनेगा। ठीक है, ये है कि एक चीज़, सॉरी, वो कौन है जो एक टांग पे खड़ा है, तीन उसकी आंखें हैं, सब उसको मानते हैं, सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। ठीक है, तो अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सोचना है कि क्या होगा। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आंसर बता दूंगी, लेकिन फिलहाल अभी आपने खुद सोचना है। ठीक है, ओके बेटा, आपका आज का लेक्चर कम्प्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।